हेलो फ्रेंड्स, श्वेता के किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आज हम एग चिली बनाएंगे जो कि बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार लगता है। आप इसे लंच और डिनर के साथ बनाकर खा सकते हो और बहुत ही इजी है इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस रेसिपी को अभी शुरू करते हैं। 3 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार। और थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, हमारा बैटर अभी रेडी हो गया है। इसी कंसिस्टेंसी में आपको रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। सो अभी रेडी हो गया हमारा बैटर। और मैं यहाँ 3 बॉयल्ड एग का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे हाफ हाफ शेप में काट लिया है और अभी हम पैन गरम कर लेंगे। तेल भी डाल दिया है। मैं एग्स को शैलो फ्राई कर ले रही हूँ, अगर आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। अभी मैं एग्स को इस बैटर में डिप करके पैन के ऊपर डालते जाऊँगी। देखिए, मैंने सभी एग्स को पैन के ऊपर डाल दिया है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे एक साइड से, मैं उसे टर्न कर लूँगी। दोनों साइड आपको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब इस एग्स को हम टर्न कर लेंगे। तो देखिए, तो मैंने सभी एग्स को टर्न कर लिए हैं। अब देख सकते हो कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। सो अब दूसरे साइड पे भी वो गोल्डन ब्राउन कलर आते ही मैं गैस ऑफ कर दूंगी, ये रेडी हो जाएंगे। अभी दोनों साइड ही फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाल के गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर गार्लिक डाल देंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो, जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो उसे यूज़ कर सकते हो। और एक हरी मिर्च ली है मैंने, उसे चॉप कर लिया है। ये तीखे हैं इसलिए मैं एक यूज़ कर रही हूँ, अगर ज़्यादा तीखे नहीं है तो आप 2 यूज़ कर सकते हो। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक छोटा प्याज लिया हुआ है मैंने, इसे मैंने ऐसे बड़े स्लाइसेस में काट लिए हैं, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैंने 1/2 कैप्सिकम लिया हुआ है, इसे भी मैंने ऐसे बड़े स्लाइसेस में काट लिए हैं, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम
टेबलस्पून टोमेटो केचप इसमें डाल देंगे। और इसमें एक टेबलस्पून चिली सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़े कोरिएंडर लीव्स बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सोया सॉस में ऑलरेडी थोड़ा नमक रहता है, इसलिए आपको चेक करके ही डालना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मैंने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के रखा हुआ है, इसे बैटर रेडी कर लिया है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे क्या होगा, सॉस जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये अभी रेडी हो गया है। इसमें हम हमारी जो फ्राइड एग्स हैं उसे इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा एग चिली अभी रेडी हो गया है, इसे मैं अभी सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। अगर आपको एग चिली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।